जय भोलेनाथ साथियों, आज आपको यात्रा पर लेके चलते हैं राजस्थान। और हम इस यात्रा के दौरान अजमेर पहुंचे हैं। यहाँ पे हमें सामने चोटी पे ये मंदिर दिखाई दिया। ये पता किया तो पता लगे ये महावीर जैन मंदिर है जो नव निर्मित है। इसको देखने के लिए हम चले और गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। आप भी दर्शन कीजिए। जहाँ तक बनेगी वहाँ तक बनाएंगे हम। रखेंगे क्यों नहीं, मेरे हाथ में रहेगा, क्या दिक्कत है। एंड वहां तक जाएगा फिर उसके बाद में लग जाएगा। ये चलने की इतना अगर ये चलने की चलो मोर पे बात कर रख दो ना, फोन से ना लेंगे ना, फोन का कैमरा यूज कर लेंगे। रख दो कितना अच्छा व्यू आपको दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर मनोरम, ऊपर से देखने में अलग ही आनंद। लड्डू चलो तुम खाता हूँ, मेरे को खिला दे यार, अकेले अकेले खा रहे हो। नाचोस खाने हैं क्या? नहीं यार भाई, ये तो जबरदस्त लगे। ये ले भाई खा। शानू मैं आपके हिस्से का लड्डू खा रहा हूँ, ठीक है। चलो बस ले लिया आप चले। चल बेटा अच्छा अभी अलाउड नहीं होता है। रानी कम कैसे ऊपर जाओ, ठीक है। तो बहुत जिंदगी थी मंदिर को ही बंद है। बढ़िया तो बता रहे हैं बन रहे हैं और मंदिर तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बनवाती होगी। हाँ और तो पानी बनवाएगा। देखो कितना गजब लग रहा है, देखो इधर से ऐसा ही लग रहा है जैसे अक्षरधाम है ऊपर से। सब यूज कर रहे हैं। बोतल है भाई ये मम्मा ने बोतल ही ढंग से नहीं करी है, मैं कोई करना पड़ेगा। Thank you.
फोटो वोटो वीडियो बना लो अपनी, बढ़िया निकलना भागना भी पड़े तो थोड़ा भाई पार्किंग पीछे थी ना कि नहीं थी, छोड़ो ना अभी भी तो घुमा रहे हैं यहाँ पे। वो तो प्रोफेसर प्रोफेसर होगा भाई, हम भी प्रोफेसर से कम है। पुलिस वाले की गाड़ी में आई है तो देखो भाई को रोक लिया, वो पूछ लो क्या बोलते हो आगे। अभी तक तो रही नहीं, पूछता हूँ मेरी गाड़ी है लोगों की मायोकोलिस देखने के बाद हम चल पड़े हैं सावित्री देवी के टेंपल के लिए। भैया सावित्री देवी टेंपल का ये सीढ़ियां सावित्री देवी टेंपल के लिए जा रही हैं। जाते वक्त पैदल गए और आते वक्त हमने उड़न खटोले से वापस आए। ये ऊपर चोटी पर माँ सावित्री देवी का मंदिर नजर आ रहा है आपको, सबसे टॉप में। हरियाली नहीं है यहाँ पे, ये रोप वे है। आयुष्मान खुराना बनना पड़ जाएगा, लटक लटक के जाना पड़ेगा। और आप तो मुझे खींच भी नहीं पाओगी। सावित्री देवी टेंपल के दर्शन के बाद हम पहुंचते हैं अन्ना सागर चौपाटी। ये अन्ना सागर चौपाटी है, यहाँ पर शाम के समय काफी पर्यटक
यहाँ पे नौका विहार का आनंद लेते हैं और अपने बच्चों और परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं। तो ये अन्ना सागर चौपाटी देखने लायक स्थान है, अगर आप आएँ तो ज़रूर यहाँ पे देखने के लिए आना। ये आउटर है, इंटर आगे से है इसकी एंट्री। यहाँ पहुँच के काफी आनंद और खुशी होती है, काफी यहाँ पे बच्चों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था है और शाम के समय तो एक जैसे बहुत विशाल मेला लगता है ऐसे ही यहाँ पे पर्यटक आते हैं। बाहर आपके लिए आइसक्रीम, चाय सभी स्टॉल वगैरह है। ये एंट्रेंस गेट है अन्ना सागर चौपाटी का, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए बैठने की जगह, शो होगा 6:30। कितना टाइम हुआ? अभी 12:05। अच्छा, मतलब रुकना बस ठीक है। मिक्की में जुला दो, मिक्की में नहीं तो इधर देखो, ये देखो बेटा।
अभी चल रहे हैं वो कोई और भी है। उसकी स्मेल आ रही है डीजल की, आ रही है डीजल। मोबाइल मत करा कंप्लेंट।